हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल पाइपिंग हॉट पिटारा। तो आज हम चाप की तलाश में जो है गीता कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। गीता कॉम्प्लेक्स जो है पूरा का पूरा फूड हब बन चुका है और यहाँ पे चाप की बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन इन सारी शॉप्स में जो सबसे पुरानी और ओल्ड शॉप है वो है शिवम शाही चाप। और इनकी जो रोस्टेड चाप है वो पूरे रोहतक में ही बहुत मशहूर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चाप बनाते हैं। और इनका एक स्पेशल जो आइटम है वो है चाप रोल, और रोल को ये बहुत ही अनोखे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं। तो आज हम आपको वही रोल जो है यहाँ पे टेस्ट करवाएंगे इनके पास। स्पेशली इनका जो बहुत फेमस है वो है मलाई चाप रोल, तो वो दिखाते हैं आपको उसकी मेकिंग और टेस्ट करके बताते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मुँह में बहुत पानी आने वाला है। तो चलिए पहले ऑनर से पूछते हैं उनकी शॉप के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बड़ी आप सुनाएं सर, अपना नाम बताएं। योगेंद्र कुमार कात्यान नाम है सर। आपकी शॉप का नाम क्या है? शिवम शाही चाप। आप कब से यहाँ चला रहे हैं अपनी शॉप? हमारे को बस इस चाप के काम में तो मैं 2012 से हूँ स्टार्ट, हमने 2012 में स्टार्ट कर दिया था काम। अच्छा, लेकिन अब मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें 7 साल हो गए सर। 7 साल? हाँ जी। तो टोटल 7 साल से आप इस जगह पे? इसी एक, हाँ इस जगह पे 7 साल से चलते हैं। अपने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पुरानी अपनी दुकान ये है, शिवम शाही चाप है। बाकी सब बाद में आए हैं जितने भी हैं। अब तो मैं पहले यहाँ अकेला बैठता था 7 साल पहले, आज से 5 साल पहले तक अकेला बैठा था। अब 2 साल के बाद तो पूरी मार्केट ही बन गई, आप दिखा सकते हो एक बार, दिखाइए। तो यहाँ पे सारी चाप की दुकान? हाँ जी, चाप सब चाप की दुकानें आ गई हैं। हाँ जी, लेकिन पुरानी दुकान सर अपनी ही है यहाँ पे। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या वैरायटी मिलती है चाप में? रोस्टेड चाप है सर, उसमें काफ़ी चाप है, मलाई चाप है, मसाला है, लेमन है, हरियाली है, स्टफ़ है, अफगानी है। ठीक है, तो आपकी शॉप की टाइमिंग क्या रहती है? हमारे टाइम ये 6 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक स्टार्ट, काम स्टार्ट कर लेते हैं 6 से 6:30 के बीच काम स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, और रात को 11 बजे तक काम चलता है। ठीक है, तो ये आपका जो है डिलीवरी भी हो जाती है चाप की, अगर डिलीवरी कराना चाहे तो? डिलीवरी ओनली जोमेटो से है सर। अच्छा, सिर्फ जोमेटो? हाँ जी। ठीक है, तो आज आप, हमने रोल के बारे में बहुत सुना है। हाँ जी, तो हम आपका मलाई चाप रोल जो है वो जरूर ट्राई करना चाहेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, तो हम बनवाते हैं अपना मलाई चाप रोल। हाँ जी, ठीक है, फिर टेस्ट करके बताते हैं अपने व्यूअर्स को। भाई यहाँ पे जो है हेड शेफ हमारे साथ है। भैया आपका नाम क्या है? सोनू। कब से आप कर रहे हो ये? 12 साल से चाप बना रहे हो यहाँ पे। तो आज आप हमें स्पेशल जो है इनका मलाई चाप रोल खिलाएंगे, तो बना के दिखाइए मलाई चाप रोल इनका कैसे बनता है। स्टार्टिंग आप ये रोस्ट करने से करेंगे? ये मैरिनेटेड होती है चाप सारी? चाप मैरिनेटेड होती है। कितने टाइम तक मैरिनेशन होती है इसकी? बनाने से आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले? तो ये जो है उस तरफ तंदूर में आपने डाल दी है रोस्ट होने के लिए। तो ये जो चाप है ये रोस्ट हो रही है। अगर आपने रोहतक में इससे बढ़िया जो है चाप कहीं खाई है रोस्टेड, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। भैया हो गया रोस्ट? हो गया। तो अब ये चाप जो है रोस्ट हो चुकी है, अब ये जाएगी रोल तैयार होने के लिए उस तरफ। तो गाइस ये अपनी मलाई चाप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके रोस्ट हो गई है। अब इसको यहाँ पे जो है प्रिपेयर किया जाएगा। क्या क्या डालते हो ये इसमें? धनिया मसाला और क्रीम। अरे वाह भाई वाह, इतना रिच बना दिया आपने तो इसको। ये बटर कौन सा यूज़ करते हो? अमूल का। अरे वाह। अच्छा, यहाँ पे प्रिपेयर होने के बाद ये इधर गर्म होने के लिए जाती है? ये गर्म किया जाता है इसको। ये गर्म होने का रीज़न क्या है? क्योंकि रोल में जो है ना इसके अंदर गर्म होता है, नहीं तो ये ऐसे डाल देंगे तो रोल अंदर से ठंडा होगा। अच्छा, इसलिए गर्म किया जाता है। तो इससे टेस्ट में भी कुछ फर्क आता है? हाँ, टेस्ट में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है, बढ़िया लगता है। अरे गाइस देखो कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही नरम होने वाली है ये चाप जो है ना, मुँह में जाते ही घुल जाएगी इस तरीके से क्रीम और बटर डाला गया है इसमें। फिलहाल जो है इसे गर्म किया जा रहा है ताकि अच्छे से जो है आपको टेस्ट आए। गरम होने के बाद जो है ये सीधा जो है रोल के अंदर जाएगी और उसके बाद आपको टेस्ट कराएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो अब ये जो है चाप जो है ये रोल के अंदर जाएगी सीधा। ये हाफ मलाई चाप रोल है ना? तो हाफ मलाई चाप में आप कितने, 2 पीस देते हैं? अच्छा भाई, ये क्वांटिटी भी सही है, अगर 2 जने आके खा रहे हैं तो उनका तो हाफ मलाई चाप में ही पूरा हो जाएगा। अरे वाह। तो क्या ये अभी मलाई चाप जो रोल है आपका ये रेडी हो गया? ये रोल करने के बाद इसको रोस्ट करना पड़ेगा। अरे वाह, रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्ट करने से इसमें तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता होगा। तंदूर के ऊपर आप ऐसे एक किस्म से आप इसको बारबेक्यू करते हो तंदूर पे? ओए होए, क्या बटर लगा दिया इसके ऊपर। और अब ये उधर जाएगा रोस्ट होने के लिए। गाइस इस तरफ जो है हमारा मलाई रोल जो आ गया है बिल्कुल बारबेक्यू होने के लिए।
इसको तंदूर के ऊपर रख के एकदम बढ़िया तरीके से जो है बारबेक्यू किया जा रहा है, मक्खन लगा के एकदम बढ़िया तरीके से ग्रिल कर दिया जाएगा, जिससे इसके ऊपर जो है क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी, जो कि रुमाली रोटी का जो हल्का सा भी कच्चापन होता है ना, वो कच्चापन भी महसूस नहीं होएगा और इसके ऊपर एकदम क्रिस्पी लेयर आएगी जो खाने में बहुत ही स्वाद लगेगी। तो भैया कितनी देर इसको रोस्ट करते हो? 5 मिनट के लिए। तो इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट किया जाएगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली किया जाएगा, ताकि क्रिस्पी लेयर जो है इसके ऊपर बन जाए और उसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है ना इसको रोस्ट किया जा रहा है। इससे बेटर रोल आपको पूरे रोहतक शहर में कहीं नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगा शिवम शाही चाप पे। अगर आपने ऐसा रोल कभी खाया हुआ है तो ज़रूर जो है हमें कमेंट करके बताएं। फ़िलहाल जो है हमारा रोल रेडी हो गया, तो अभी जो आ रहा है कटिंग के लिए। आवाज़ सुन रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से आवाज़ आई है। अभी इसको आपको खा के टेस्ट करके बताएंगे ये कैसा है रोल। सो गाइस फाइनली जो है अपना रोल आ चुका है, बहुत ही स्वाद लग रहा है दिखने में। तो मलाई चाप रोल एकदम भर भर के इसके अंदर जो है मलाई डाल रखी है। जल्दी से आपको इसको टेस्ट करके बताते हैं। इसके साथ में इन्होंने दिए सिरके वाले प्याज और हरी चटनी, जो कि मिंट वाली चटनी है, मिंट और दही की। साथ में जो है ये हाफ प्लेट मलाई चाप रोल दिए है, जिसमें इन्होंने 2 पीस को कट करके 4 में डिवाइड किए है। और ये 4 पीस जो है ये 2 बंदे तो बहुत ही आराम से जो है खा सकते हैं इन 4 पीस को। टेस्ट करके बताते हैं कि ये रोल कैसा है। गाइस देख रहे हो ये बाहर से एकदम इन्होंने जो है तंदूर पे जो इसको ग्रिल किया है ना, उससे इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी जो है लेयर आ गई है। इस अंदर से एकदम मलाई से भरा हुआ एकदम क्रीमी क्रीम इन्होंने भर भर कर डाली है इसमें। जल्दी से जो है इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है। इधर इन्होंने दिए ये चटनी और प्याज, इसको लगाते हैं हम थोड़ी सी चटनी और अब ये जाएगा टेस्टिंग के लिए। इतनी सॉफ्ट चाप है ना, आप मानोगे नहीं, मुंह में जाती चाप एकदम मेल्ट हो गई है। बहुत ही बेहतरीन रोल है, काफ़ी अच्छा सिंपल फ्लेवर, कुछ भी ज़्यादा नहीं और बिल्कुल चटपटापन पूरा और फ्रेशनेस, चाप की फ्रेशनेस जो है ना बिल्कुल खाने में पता लग रही है। बहुत ही अच्छा रोल है। एक बाइट और लेते हैं गाइस, बहुत ही स्वाद रोल है, इतना स्वाद है एक बार आगे खाना तो बनता ही है। खुद आओ, खुद खाओ और ख़ुद जज करो इसका टेस्ट कैसा है, और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको भी मलाई चाप रोल जो है वो कैसा लगता है। साथ में इन्होंने प्याज दिए, ये प्याज ट्राई करते हैं, सिरके वाले प्याज हैं, चटनी है, लेकिन टेस्ट जो है ऑसम रहेगा। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया भाई। ये जो इन्होंने इसके आउटर पे जो बटर लगाया है ना, और जो इसे बारबेक्यू किया है, ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है जो रोहतक में ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, जैसे कि सर हमें बता रहे थे। इससे जो टेस्ट है वो ऑब्वियसली एनहेंस हुआ है और बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स जो है निकल के आ रहे हैं। चाप के अंदर तो जो है चारकोल का रोस्टेड फ्लेवर तो आ ही रहा है, उसके साथ जो इन्होंने तंदूर पे इसको ग्रिल किया ना रुमाली रोटी को, उससे उसमें भी एक अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी मील है। रोहतक में अगर आपने इससे अच्छी जो चाप अगर खा रखी है कहीं पर, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और अगर अभी तक आपने ये चाप नहीं खाई तो यहाँ ज़रूर आएँ और खाएँ। हम जो है इस मील को इंजॉय करते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें। और हाँ यार, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको तो यार सच में दिल से थैंक यू है। जिन्होंने नहीं किया कोई ना, हम कौन सा भागे जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। तब तक के लिए ईट वेल, स्लीप वेल, गुड बाय, टाटा। सर 4-5 साल हो गए। 4-5 साल क्या आइटम खाते हैं मोस्टली? ये मसाला चाप रोल, मलाई चाप रोल। ये मसाला चाप रोल कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है। रोहतक में बस यही है, एक इनकी फेमस है बस। अच्छा, गाइस हम यहाँ चाप खाने आए थे, हमें यहाँ पे हमारे एक छोटे से शैतान मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय। यहाँ खा रहे हो? अभी से। कितने टाइम से यहाँ खाने आ रहे हो? काफी टाइम से। काफी टाइम से क्या खाते हो यहाँ पे? ये मलाई चाप। मलाई चाप कैसी लगती है आपको? मलाई चाप अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है।